to the D. D. M. M. I. I. T. T. Very good. अभी मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है. ये जो मैं भी आपको आप लोगों से जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले रशियन गवर्नमेंट ने 1970 के अंदर ओलंपिक में यूज किया था. फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है. डीएमआईटी के फुलफॉर्म में आप लोगों से बताऊँ ये होती है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. अभी जो टेंथ वाले बच्चे हैं वो डर्मा का मतलब जानते होंगे. डर्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? डर्मा स्किन त्वचा. वेरी गुड. क्या वेरी गुड. डर्मा बेसिकली एक ग्रीक भाषा का शब्द है. इसका मतलब होता है स्किन यानी कि त्वचा. ग्लाफिक होता है आपके हाथ की त्वचा की डिजाइनिंग. जैसे आप लोगों ने कभी आधार कार्ड रहा है आपका आधार कार्ड जब हम लोग स्कैनर पे प्रिंट देते हैं जो नेल्स के पीछे की ये जो ब्लैक ब्लैक धारियां ये नजर आती हैं इनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रिजेस. क्या बोलते हैं? रिजेस. नेल्स. इनकी काउंटिंग के बेस पे हम लोग अपने ब्रेन की स्ट्रेंथ का आइडिया ले सकते हैं. हमारा ब्रेन बेसिकली बना किस चीज के लिए? क्योंकि वैज्ञानिक लोग मानते हैं उन्होंने रिसर्च किया है इस चीज के ऊपर उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है. वो पता है क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में बना है लेकिन किताब याद नहीं होती. कैसे बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? एक दो तीन तीन चार पांच बच्चे हैं क्या? चलो कई बार समझ नहीं आता फिर से बोलता हूँ. अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी किताब याद नहीं होती? चलो कई बार समझ नहीं आता डिफिकल्ट रहता है फिर से चेंज करते हैं. अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि पूरी किताब याद कर ली सारा कंठस्थ कर लिया पूरे तरीके से लेकिन एग्जाम से दो तीन दिन पहले ही जैसे हम लोग रिविजन करते हैं ना सिलेबस खत्म करने के बाद रिविजन करते हैं उसी किताब हम लोग खोलते हैं फिर लगता है अरे यार ये तो मुझे याद था अरे मतलब फिर से मुझे क्या ऐसा होता है किसी के साथ? चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से और मैं पूछता हूँ. अच्छा ऐसा किसी को किसी के साथ होता है जैसे पूरी पूरा सिलेबस याद कर लिया पूरे तरीके से कंटस कर दिया सारा पढ़ लिया सारा कुछ याद है एग्जाम इस दौर में गई पहला क्वेश्चन किया हो गया दूसरा किया हो गया तीसरा किया हो गया हम लोग चौथी बार जाके गाड़ी लग जाती है और पता है चौथे याद तो आता है जब हम लोग एग्जाम से बहुत से बाहर आते हैं तो अरे यार ये चौथे में ये था ये होता है ना जैसा. अच्छा तो अभी अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं? सोचा आपने क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना है ये आपका सपना है पापा का सपना है? पापा का है. पापा का सपना आप क्यों दूर कर रहे हैं? आप क्या सपना है? मेरा भी सपना डॉक्टर बनना है. आपका क्या है? पता हो गया भगवान मेरे नंबर ना आ जाए बस. चलो कोई नहीं आएगा भी नहीं कोई दिक्कत नहीं. इंजीनियर बनना है तो अभी डिफाइन कर देंगे आपको किस बच्चे को क्या बनना है ठीक है ना. हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ये जो डीएमआईटी टेस्ट होता है ये एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है ठीक है ना. इसमें हम लोग क्या करते हैं आपकी एक उंगली के तीन प्रिंट लेते हैं. उंगलियां कितनी हमारे हाथ में? चलिए कोई एट उंगलियां हैं दो कितने हम तो एक उंगली हम लोग तीन प्रिंट लेंगे तो के हां टोटल कितने 10 10 into 3 is equal to 30. वेरी गुड. जो 30 प्रिंट है यहां से जाते हैं सिंगापुर इमेज के जरिए फिर वहां से 36 फेज की एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है. वो बताती है कि आपका जो इंटरनल ब्रेन है आपका जो दिमाग है बना किस चीज के लिए. आप डॉक्टर बनोगे आप इंजीनियर बनोगे आप मेडिकल में जाओगे या आईएएस बनोगे या डिफेंस में जाओगे या पुलिस में जाओगे जो भी आप बनने की जो भी स्ट्रेंथ आपके अंदर है वो निकल के आती है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा आप बातों को मन में नहीं रखते आपके अंदर स्ट्रेस वो भी अभी नहीं है इंग्लिश बोलने में हो रहा है. चलिए एक बैठ जाइए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको मुझसे और पूछता हूँ. अच्छा आपका कौन सा ब्रेन डोमिनेंट है कौन सा ब्रेन ज्यादा काम करता है लेफ्ट या राइट? आपको किसी को पता है? क्योंकि जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है वो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है जिसका राइट ज्यादा काम करता है वो खेलने में ज्यादा होशियार होता है. वो बता सकता है आपका कौन सा ब्रेन? लेफ्ट. पता कैसे सर मुझे? आप मुझे बताएं कैसे पढ़ाई में लगता है.
नहीं पता ऐसा कोई मशीन ऐसा कोई सिस्टम आपको बना के दे हमारे देश के अलावा जो आपको ऑफर करके बता सके। कोई नहीं, दो बच्चे खड़े हो जाओ,